जी श्याम जी के पोहे वाले के पोहे बनाने की रेसिपी ने हर किसी को दिल जीत लिया और ऐसे ग्राहकों से हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राम जी श्याम जी में आप कई दिनों से पोहा खा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या कई सालों से ओके तो क्या स्पेशलिटी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? एक्चुअली जब ये उधर था मेट्रो के जब ये बन रहा था तब से मैं आ रहा हूँ, मतलब 5-6 साल हो गए हैं और मुझे यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मैं बाकी जगह भी ट्राई किया है बट उतना भी वो मज़ा नहीं आया है। तो मैं इधर ही आता हूँ, फिर भले ही संडे हो या मंडे हो, मैं हर दिन आता हूँ यहाँ पर और मैं पोहा और ये बाकी चीज़ें लेता हूँ। तो ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कई सालों से मैं यहाँ पर, तो तकरीबन कितने साल हो गए आपको राम जी श्याम जी इनका पोहा खा के? मैं यहाँ पर जॉब करता था IT कंपनी में, तो वो उनका रिपोर्टिंग 10 बजे रहता था तो ये खुल जाता था 7 बजे, तो मैं 7-8 बजे नाश्ता करके कंपनी में जाता था। हाँ कंपनी में है फैसिलिटीज़, पर मैं यही आता था खाने के लिए। हाँ मेरे को सर मैम मेरे को तकरीबन हो गए 6 साल हो गए। हाँ। तो इन 6 सालों में कभी आपको ऐसा लगा कि राम जी श्याम जी के पोहे वाले का टेस्ट जो है वो चेंज आया है? कभी नहीं। इवन मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं अमरावती से, तो वो यहीं पर आते हैं नाश्ता करने के लिए, चाहे तो वो जा सकते हैं कोई बड़े रेस्टोरेंट में, पर वो यहीं पर आते हैं। हाँ तो एक स्पेशल नोट जो राम जी श्याम जी पोहा वाले को आप देना चाहते हैं? ये कि मतलब अच्छा है उनका, मतलब इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है उन्होंने, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ऑनलाइन भी लेते हैं, तो जो अभी आजकल स्मार्टफोन है, तो मैं सबसे अर्ज करना चाहूँगा कि आप स्मार्टफोन से ही पे कीजिए, क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाएगा तो गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन ले सकेगी, तो मैं यही चाहता हूँ। हाँ। मतलब ग्राहकों का भी कहना है कि बहुत सालों से वो यहाँ से जुड़े हुए, पर लेकिन जितने भी सालों से वो जुड़े हैं उसमें कभी भी जो है टेस्ट में चेंजेस नहीं आया और जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रही है। तर्री